16-17 की दे देगी है और है भी और सिटी में 14-15 ना है एग्जॉस्ट गाड़ी में साहब इतने टर्बो लैग है इसमें शुरुआत में बंजारा को तो लैग है हल्का सा है ना एकदम से सर स्पीड दाब होगा तो होगा ही होगा थोड़ा लिमिट से करना पड़ता है इधर नहीं एकदम से पकाने की कोशिश करें पर और इधर से ले लो या आगे से पार्टनर से उठन से बल्ले मोड़ से अभी तो 8:30 की दिखा रही है गाड़ी को उठने में तो टाइम भी लगता है गाड़ी खड़ी है ना यहीं पे चलती कितनी है अपने पास दिखाने की गाड़ी है खड़ी है फिर शोरूम भी के तो खड़ी खड़ी वो इसी चला हुआ है गाड़ी का कस्टमर आ रहे हैं लेके चले गए बस गाड़ी ये सिल्वर पेडल्स भी N6 में आएंगे हाँ ये ऑटोमेटिक मार रहे हैं सिल्वर पेडल्स भी हैं ये कितने की बताई थी N6 और N8 N6 है आपके 1385 की और N8 पड़ती है आपको 1493 की तो स्टीयरिंग भी कितना सही है यार बिल्कुल इसमें रेड एसेंट्स आ जाएंगे है ना यही तो इन्हें भी खासियत है ऊपर चढ़ा दो आ जा यू टर्न मार हल्का सा लैग है उसके बाद तो होगा सर वैसे डीसीटी तो उठने में भी लैग लेता है स्टैंड स्टिल से उठे ना गाड़ी तो डीसीटी लैग मारता है और एक टर्बो का लैग होता है ना इसमें वो है बाकी तो एक बार उठ जाए फिर तो नहीं पता ही नहीं जैसे मैंने दाब रखा था उसके बाद 1 सेकंड बाद उठती है लेकिन सही उठ रही है जब उठ जाती है ना फिर तो ये दिखाता है इसका D4 में लग गई अब क्या पावर स्पेसिफिकेशन है इसकी 120 PS और 172 न्यूटन मीटर टॉर्क लगता है वायरलेस चार्जर है इसमें ABS बहुत जल्दी एक्टिवेट सा हो रहा है मतलब ठीक है मतलब सनरूफ खोलिए एक बार देखो ना बिल्कुल मैंने पंजा नहीं दे रखा तो आवाज नहीं आ रही सस्पेंशन भी इसका
नहीं उस हिसाब से इन्होंने ये थ्री सिलेंडर है तो ये उस हिसाब से देखो हेलो उस हिसाब से तो सही है थ्री सिलेंडर के हिसाब से है ना पता लगता नहीं है थ्री सिलेंडर है साढ़े तेरह की बताई थी आपने है ना में लगभग सारे भी चली हैं आपकी 1385 की 1380 की जी हल्के होते हैं इसके दरवाजे ऐसे हल्के लगा लो जितने अपने जो कंपेयर में गाड़ी को आती है ब्रीजा ब्रीजा के चारों दरवाजे और बोनट का वेट है ना इतने इसके अकेले बोनट बोनट का वेट है तो यार ये सो थोड़ा लग रहा है उसने तो किस पे बैठे नहीं मैंने पंजा दबा रखा है उसके बाद 2-3 सेकंड के बाद निकल तो अच्छा रही है निकल अच्छा रही है उस लैग के बाद अच्छा रही है डीसीटी की वजह से है लैग वो तो खैर हर गाड़ी में डीसीटी हो तो होगा ही नहीं तो क्रेटा क्रेटा सब में जो डीसीटी चला रखी है मैंने सब में ये लैग है तो देखा भाई आपने ड्राइव रिव्यू ऑफ वेन्यू एनलाइन तो भाई गाड़ी की बात करूं तो भाई ह्यूंडई ने इस पर बहुत पैसा खर्च करा है और इसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस दिए हैं बस एक लैग है इसका कि ये डीसीटी गियरबॉक्स के साथ आती है बाकी कुछ नहीं है भाई बस ये गाड़ी लैग मार रही थी कॉस्मेटिक फीचर्स लुक सब बढ़िया है तो भाई यही थी भाई आज की वीडियो थैंक यू सो मच